When she had fought a leopard single-handedly in the jungle and killed it with nothing more than a sturdy stick, ठीक है, जब उसने एक लेपर्ड को मार गिरा है एक सिंपल स्टडी, स्टडी आप देख लो थिक 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 मतलब मोटे वाली, ठीक है, एक तो पतली सी डंडी होती है, एक थिक होती है मोटे वाली, मोटे वाली सिर्फ मोटे वाली स्टिक से उसने थिकनेस समझते हैं ना, उसने उसको लेपर्ड को मार गिराया और कोई चीज नहीं थी। देखो लेपर्ड कितना डेंजरस होता है, वो डरी नहीं घबराई नहीं और उसने इतनी जोर से, उसके अंदर इतनी ताकत थी, वो फोर्स लगा के मारा उसने, तभी तो लेपर्ड मर गया ना। आफ्टर दैट दे निक नेम्ड हर जलकरी, तब उसके बाद उसका नाम जलकरी पड़ गया, जलकरी द टाइग्रेस पड़ गया, जलकरी द टाइग्रेस, पहले उसका जलकरी था जो कि रानी लक्ष्मीबाई जिसके ऊपर ये चैप्टर है उसकी आर्मी में एक सोल्जर था, उससे उसकी मैरिज हो गई ना, तो वो फिर झांसी में उसके साथ रहने चली गई, क्योंकि जब किसी की लड़की, किसी लड़की की मैरिज हो जाती है ना किसी के साथ, तो वो उसके घर रहने चली जाती है, तो अब वो अपने शहर से झांसी शिफ्ट हो गई अपने हस्बैंड के साथ, ठीक है। दैट वाज हाउ द रानी चांस टू सी हर वन डे, चांस का मतलब हैपेंड, ठीक है, नीचे देखो आप, चांस मतलब हैपेंड, यहाँ पे चांस का मतलब हैपेंड है, वैसे चांस का मतलब तो चांस होता है कि उसे चांस मिला, देखने का मौका मिला, तो यहाँ पे भी ऐसा ये हैपन हुआ, ऐसा हो पाया, ऐसा पॉसिबल हो पाया कि वन डे जो रानी है हमारी, क्वीन है इस चैप्टर की, वैसे वो क्वीन थी झांसी की, उसका उससे मुलाकात हुई, देखना पॉसिबल हुआ। शी शैल बी माई कंपेनियन द रानी ऑर्डर्ड फॉर शी लाइक द गर्ल्स फ्रैंक एंड फियरलेस एटीट्यूड, जब रानी ने देखा कि भाई गर्ल का जो इस लड़की का जलकरी का एटीट्यूड है, मतलब बोलने का तरीका, हाव भाव और जिस तरह से ये बातें करती है, वो काफ़ी फ्रैंक है, ऐसे शर्माती वगैरह नहीं है तुम लोगों की तरह, हिचकिचाती नहीं है, ठीक है, तो वो काफ़ी फ्रैंक है और फियरलेस, बिना किसी डर का उसका जो एटीट्यूड है ना, तो उसने ऑर्डर दिया रानी लक्ष्मीबाई जी ने कि ये मेरी कंपेनियन होगी, शैल बी का मतलब होता होगी, इसके ऊपर लिख लो आप, नोट डाउन करो, शैल बी मीन्स होगी, ये मेरी कंपेनियन होगी, कंपेनियन मतलब साथी, जो उसके साथ साथ चलेगा। दे बिकेम गुड फ्रेंड्स एंड एवरी डे द टू यंग वुमेन वेंट आउट राइडिंग टुगेदर, वो अच्छी फ्रेंड्स भी बन गई, कंपेनियन तो देखो उसने अपनी आर्मी में जो मेजर पोस्ट पे होता है उसको रख लिया कि ये मेरे साथ साथ रहेगी, मेरे को सपोर्ट करेगी, मेरी हर एक चीज़ की पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसके पास रहेगी, कहाँ जाना है, कैसे जाना, किससे लड़ना है, किससे बात करना, लेकिन जब उसने उसको और जाना तो वे अच्छे फ्रेंड्स बन गई और दोनों ही यंग वुमेन थी, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, वो हर रोज ही राइडिंग के लिए जाती थी, पहले के टाइम में क्या होता था, हंटिंग करते थे, जैसे कि जंगल में जानवरों को मारना या इधर उधर उसके लिए जाना, देखने जाना कि कोई हमारी सीमा के अंदर प्रवेश तो नहीं कर रहा, एंट्री तो नहीं कर रहा, जो हमारा बॉर्डर लाइन्स है, सबके अपने अपने वो बने होते थे एरियाज, ठीक है, तो वो जब जाते थे ना तो दोनों साथ जाते थे राइडिंग के लिए, क्योंकि वो अच्छी फ्रेंड बन गई थी। दे फेंस्ड एंड रेसल्ड एंड प्रैक्टिस्ड शूटिंग विद रिवॉल्वर एंड गन, वो क्या करती, फेंस्ड मतलब फॉट विद स्वॉर्ड, यहाँ लिखा हुआ फॉट विद स्वॉर्ड, तलवारों से लड़ना ये करती थी जब ये जाती थी, रेसल्ड होता कुश्ती करना आपस में, जब हम सीखते हैं ना तो हम कुश्ती तलवार चलाना ये सब रेसल्ड, रेसलिंग का काम करती मतलब प्रैक्टिस करती थी, एंड प्रैक्टिस शूटिंग, शूटिंग रिवॉल्वर के साथ, रिवॉल्वर मीन्स गन, गन के साथ शूट करती थी, रिवॉल्वर एंड गन, गन जो है वो छोटी होती है, रिवॉल्वर आई थिंक बड़ी होती है, इस तरह की चीज़ होती है शूटिंग आइटम, हाँ। Those were troubled times and everywhere there were rumors of war. उस टाइम का टाइम बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो उन्होंने हमारे इंडिया के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ था, वो हमें रूल्ड अप करते थे, ठीक है ना, तो हर जगह डिफ़िकल्ट टाइम था और हर जगह इस तरह की वॉर की, फाइटिंग की रूमर्स, यानी रूमर्स होती है जैसे किसी बात का फैलना कि भाई अंग्रेजों के साथ हमारी लड़ाई होने वाली है, हम अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरह की चर्चा, टॉकिंग्स हर जगह हो रही थी कि युद्ध हो सकता है,
जैसे अभी चल रही है ना कि अमेरिका और चाइना की लड़ाई हो सकती है, क्योंकि चाइना ने जो है उसको धोखा दिया, बताया नहीं कि भाई वहाँ से वो फैला, कोरोना फैला, इस तरह की चीज़ें। तो वहाँ उस टाइम जब रानी लक्ष्मीबाई और ये दोनों शूटिंग पे जाती थी जलकरी, तो ये रूमर्स फैली हुई थी। द ब्रिटिश हैड एक्सपेंडेड देयर टेरिटरी, टेरिटरी के ऊपर लिख लो एन एरिया ऑफ लैंड, टेरिटरी मीन्स एन एरिया ऑफ लैंड। तो ये ब्रिटिश ने सोचा था कि हम अपने एरिया को एक्सपेंड करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको इंक्रीज करेंगे। दे हैड ए ट्रेडिंग कंपनी कॉल्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी, उनकी एक ट्रेडिंग कंपनी थी, ट्रेडिंग मीन्स बिजनेस, बिजनेस कंपनी थी जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से बोलते थे। इट्स ऑफिसर्स रूल्ड द पीपल ऑफ द लैंड हार्शली, इसके जो ऑफिसर्स होते थे ना वो रूल्ड करते थे, रूल्ड के ऊपर लिखो यूज पावर, ध्यान से सुनो, यूज पावर, पावर का इस्तेमाल करते थे और मतलब सबको डांट के रखते थे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पावर को यूज़ करते थे। पीपल ऑफ द लैंड हार्शली, हार्शली होता है बैड बिहेवियर, एक तो किसी को प्यार से काम करने को बोलो और एक डांट के करो कि ये नहीं करो वो नहीं करो, ऐसे वैसे पूरा अपना चलाते थे अपनी पावर को, ठीक है, तो वो हार्शली यानी बैड तरीके से करते थे। इन 1857 फाइटिंग ब्रोक आउट ऑल ओवर द कंट्री, 1857 का जो हमारा टाइम था ना उसमें चारों तरफ लड़ाई जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी, एक तरह से कहते हैं ना जंग का छिड़ जाना, यानी फाइटिंग का ब्रोक आउट हो गया था, हर कोई ना मतलब वॉर करने के लिए रेडी था। एवरीवेयर द पीपल रोज इन रेबिलियन अगेंस्ट द फॉरेन रूलर्स, रोज इन रेबिलियन का मतलब है डिसाइडेड टू फाइट, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि हम लड़ के रहेंगे और अपने इंडिया को अंग्रेजों से फ्री करा लेंगे। तो हर जगह जो है इस तरह की एटीट्यूड लोगों में देखने को मिल रहा था फॉरेन रूलर्स के अगेंस्ट, जो ऑफिसर्स थे उनके अगेंस्ट। द ब्रिटिश फोट बैक एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड ऑन बोथ साइड्स, ब्रिटिश जो थे उन्होंने भी वापस लड़ाई का जवाब लड़ाई से दिया, उन्होंने भी लड़ा, सामना किया, और जो है दोनों साइड के जो इंडियंस थे और फॉरेनर्स थे जो लड़ाई कर रहे थे और जो उसका सामना कर रहे थे, दोनों तरफ से हजारों की संख्या में लोग मारे गए।